हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सब्जेक्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चैप्टर भारत चीन के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था और चीन की विदेश नीति का संक्षिप्त में ओवरव्यू देखा और पंचशील समझौते के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच वर्ष 1990 के बाद कैसे संबंध रहे हैं। वर्ष 1990 के बाद भारत चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को अत्यधिक महत्व दिया गया और सीमा विवाद बने रहने के बावजूद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई। भारत चीन संबंध अत्यधिक जटिल बन गए क्योंकि आर्थिक क्षेत्र में सहयोग तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन सीमा पर भी तनाव बना रहा। इसलिए सहयोग और संघर्ष दोनों प्रवृत्तियां 1990 के बाद विद्यमान हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंध में बड़ी बाधा वर्ष 1998 में उत्पन्न हुई, जब भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि चीन भारत का सबसे बड़ा शत्रु है। चीन के द्वारा भारत के परमाणु परीक्षण की कड़ी आलोचना की गई और चीन ने भारत के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने के लिए सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वर्ष 2001 के बाद भारत चीन संबंध पुनः सामान्य होने लगे और वर्ष 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चीन की यात्रा की गई तथा सीमा विवाद को हल करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में है, उसे खोलने का समझौता किया गया। वर्ष 2005 में भारत और चीन के बीच सामरिक वार्ता आरंभ हुई तथा दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भी आयोजित किए गए। वर्ष 2008 में भारत अमेरिका के बीच सिविल परमाणु समझौता सम्पन्न किया गया। परिणाम स्वरूप चीन के द्वारा सीमा क्षेत्र पर नियंत्रण रेखा का बार बार उल्लंघन किया गया और भारत पर दबाव बनाने का प्रयत्न किया गया। वर्ष 2010 के बाद भारत चीन संबंधों में पुनः कड़वाहट उत्पन्न हुई तथा कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के अधिकारी जनरल जायसवाल को चीन के द्वारा वीज़ा नहीं दिया गया और कश्मीर के निवासियों के लिए चीन के द्वारा स्टेपल वीज़ा प्रदान किया गया। दोनों देशों के बीच व्यापार में वृद्धि हुई, परंतु भारत चीन व्यापार में भारत को बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। अब दोनों देश के बीच व्यापार है, व्यापार तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें चीन का हिस्सा ज़्यादा है, भारत को व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। तो ऊपर से देखें तो अब आज कह सकते हैं कि भारत चीन का व्यापार बहुत ज़्यादा है लेकिन उसमें भारत घाटे में है और चीन बेनिफिट में है। वर्ष 2013 में चीन के द्वारा नियंत्रण रेखा में चुमार देवशांग क्षेत्रों में लगातार नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया, जिससे भारत चीन संबंध अत्यधिक कटु हो गए। परंतु सितंबर 2014 में चीन के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यह यात्रा आर्थिक व व्यापारिक मुद्दों पर केंद्रित रही। भारत और चीन के बीच कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से एक नया रास्ता खोलने पर समझौता हुआ। भारतीय रेलवे के विकास व पुनर्निर्माण में सहयोग करने के लिए चीन द्वारा सहयोग का आश्वासन दिया गया और व्यापार के क्षेत्र में चीन द्वारा भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा के द्वारा संबंधों को पुनः सामान्य बनाने का प्रयत्न किया गया। 21वीं शताब्दी में चीन का एक महाशक्ति के रूप में उदय विश्व राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है तथा भारतीय विदेश नीति पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखा जा सकता है। चीनी विदेश नीति में विस्तारवादी महत्वाकांक्षा सदैव विद्यमान रही है। चीन के आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप चीन तेजी से अपना सैन्य आधुनिकीकरण कर रहा है। वर्तमान समय में चीन का रक्षा खर्च अमेरिका के पश्चात विश्व में सर्वाधिक है। भारतीय विदेश नीति के लिए चीन के साथ संबंधों को बनाए रखना सबसे जटिल चुनौती है। शीत युद्धोत्तर विश्व में संबंधों में आशातीत सुधार हुआ है, लेकिन चीन के साथ बेहतर संबंधों को निर्मित करते हुए भारत को अपनी सामरिक क्षमता में निर्णायक वृद्धि करनी होगी। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तथा दुनिया के 10 बड़े बाजारों में से एक है। इसलिए चीन ने भारत के प्रति अपनी नीति का पुनरावलोकन किया है तथा भारत ने भी यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमा विवाद होने के बावजूद चीन के साथ अन्य क्षेत्रों में सुधार पर बल प्रदान किया है। अब देखेंगे कि शांतिपूर्ण उभार व आर्थिक संकट से यहाँ क्या मतलब है। चीन के द्वारा चीन के शक्तिशाली आर्थिक व सैनिक उभार को शांतिपूर्ण उभार का नाम दिया गया। चीन के अनुसार चीन का शक्तिशाली उभार अन्य देशों के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास में सहायक होगा।
चीन का शक्तिशाली उदय साम्राज्यवादी देशों के शक्तिशाली उदय से अलग होगा और चीन अपने विकास के लिए अन्य देशों का शोषण नहीं करेगा, ऐसा चीन ने कहा। चीन के आर्थिक विकास के कारण 21वीं शताब्दी को चीन की शताब्दी के रूप में व्यक्त किया गया और चीन के प्रभाव को समूचे विश्व में स्वीकार किया गया और कुछ लोगों ने चीन के उभार को एशियाई उभार के नाम से भी जाना। वर्ष 2015 में चीन के आर्थिक उभार पर बड़ा संकट उत्पन्न हो गया और चीन की सकल घरेलू विकास दर में लगातार गिरावट हो रही थी तथा चीन में विदेशी निवेशकों के द्वारा पैसे निकालने से चीन के स्टॉक एक्सचेंज में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। वर्तमान में चीन के ऊपर भारी कर्ज हो गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि चीनी अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में संदेह उत्पन्न हो गया है, जिसका समूचे विश्व पर आर्थिक और सामरिक प्रभाव होगा। समूचे विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की अर्थव्यवस्था के बड़े भाग होने के कारण समूचे विश्व अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। इससे चीन की सामरिक क्षमता भी प्रभावित होगी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीन की सौदेबाजी की क्षमता कम होगी एवं अमेरिका को लाभ होगा और रूस की आर्थिक स्थिति और बदतर हो जाएगी। चीन के द्वारा प्रायोजित नवीन विकास बैंक तथा सिल्क रूट परियोजना पर भी इसका प्रभाव नकारात्मक होगा। चीन के द्वारा आर्थिक संकट से निकलने के लिए अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जा रहा है, जिससे चीन का विश्व में निर्यात बढ़ सके। चीन के आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप भारत के लिए एक विशेष अच्छा अवसर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशक भारत में निवेश की प्राथमिकता अपना सकते हैं। तो भारत को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अपने आधारभूत संरचना का प्रभावी विकास करना होगा और निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं व औपचारिकताओं को सरल करना होगा। अब हम देखेंगे कि भारत और चीन में विवाद के विभिन्न मुद्दे कौन से हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पहला मुद्दा है सीमा विवाद। भारत चीन के बीच सीमा के पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश स्थित है। जैसे इंडिया है तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ लद्दाख है, यही मेन जो एरिया है जो सीमा विवाद के पॉइंट्स रहे हैं। पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश स्थित है तथा पश्चिमी सेक्टर लद्दाख से होकर गुजरता है एवं मध्य सेक्टर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड से लगा हुआ है। भारत और चीन के बीच लगभग 2000 मील लंबी सीमा है। इस सीमा रेखा को समझौते और प्रशासकीय व्यवस्थाओं से नियमित किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत चीन प्राकृतिक सीमा रेखा भी इतनी स्पष्ट है कि दोनों देशों की वास्तविक सीमाओं के विषय में किसी को शंका ही नहीं हो सकती। समस्त भारत चीन सीमा को सामान्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। वे हैं भूटान के पूर्व की सीमा, उत्तराखंड, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से लगती हुई मध्य सीमा और चीन के तिब्बत व सिक्यांग प्रदेशों से जम्मू व कश्मीर को अलग करने वाली पश्चिमी सीमा। भारत चीन सीमा विवाद मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में मैकमोहन रेखा और उत्तर पश्चिम में लद्दाख से संबंधित है। अब देखते हैं कि यह मैकमोहन रेखा क्या है। यह रेखा उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा का विभाजन करती है यहाँ, और यह भूटान के पूर्व में दोनों देशों की, यहाँ भूटान है तो इसके पूर्व में दोनों देशों की सीमा रेखा है। भारत ने सदैव ही इस रेखा को वैध रूप से निर्धारित सीमा रेखा माना है, परंतु चीन ने सदा इसको साम्राज्यवादी रेखा कहकर निंदा की है। वर्ष 1914 में शिमला में एक समझौते में, शिमला समझौता के नाम से इसको जाना जाता है, दो शिमला समझौते हैं, एक भारत पाकिस्तान पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, वो अलग है, ये अलग है। 1914 में शिमला में हुए ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में यह सीमा रेखा निर्धारित करके औपचारिक रूप से सीमा विभाजन किया गया था। शिमला सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य आर्थर हेनरी मैकमोहन ने किया था। वे भारत के मंत्री यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। एक समझौते के अनुसार, जैसा कि ऊपर वर्णन किया है मैंने, तिब्बत को आंतरिक व बाह्य दो भागों में विभाजित किया गया। बाह्य तिब्बत और भारत का सीमा विभाजन ऊंची पर्वतमाला के मध्य किया गया था। यह सीमा रेखा भारत के मंत्री मैकमोहन के सुझाव पर निश्चित की गई और स्वयं मैकमोहन ने मानचित्र पर लाल पेंसिल से एक रेखा खींचकर इसका विभाजन किया। इस प्रकार निर्धारित रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। यह एक प्रकार से प्राकृतिक सीमा रेखा भी है, क्योंकि यह उत्तर में तिब्बत के पठार और दक्षिण में भारत की पर्वत श्रेणियों से निकलती है। जिस मानचित्र पर यह रेखा बनाई गई थी उस पर चीन, तिब्बत और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु चीन की सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। फिर भी चीन की किसी सरकार ने इस रेखा पर कभी कोई आपत्ति भी नहीं की और भारत ने भी इसे सदैव मान्यता प्रदान की। अब देखते हैं लद्दाख।
लद्दाख का क्या विवाद है? लद्दाख सदा से जम्मू व कश्मीर राज्य का अंग रहा है और आज भी है। जम्मू व कश्मीर राज्य भारत की स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सम्राट की सर्वोच्च सत्ता के अधीन था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उसका विलय हो गया और वह भारत का अंग बन गया। यद्यपि इस क्षेत्र में लद्दाख चीन सीमा किसी संधि के द्वारा निर्धारित नहीं हुई थी, फिर भी शताब्दियों से भारत और चीन दोनों देश इस क्षेत्र की सीमा रेखा को मानते रहे थे। भारत के सभी मानचित्रों में इस सीमा रेखा को सदैव प्रकाशित किया गया। जो पर्यटक समय समय पर भारत आए, उन्होंने भी अपनी रचनाओं में इसी सीमा रेखा का उल्लेख किया। भारत द्वारा वर्ष 1899 में चीन को भेजे गए एक पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि अक्साई चीन भारतीय प्रदेश का भाग था। जम्मू व कश्मीर राज्य के राजस्व अभिलेखों में भी अक्साई चीन को कश्मीर के लद्दाख प्रांत का भाग स्वीकार किया गया तथा सीमा विवाद को लेकर वर्ष 1962 में चीन के द्वारा भारत पर हमला कर दिया गया और भारत के बड़े भूभाग पर चीन ने नियंत्रण कर दिया, जिसके बाद से ही हमारे संबंध अत्यधिक कटु हो गए। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान भारत का सीमा विवाद के संबंध में दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ और भारत के अनुसार सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है जिसका समाधान अलग से किया जाएगा और अन्य क्षेत्रों में चीन के साथ संबंध बढ़ाए जाएंगे। जबकि वर्ष 1988 से पहले भारत का ये मानना था कि जब तक सीमा विवाद हल नहीं होगा तब तक चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इन संबंधों को वर्ष 1988 की राजीव गांधी की यात्रा के द्वारा परिवर्तित करने का प्रयत्न किया गया। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत और चीन के मधुर संबंधों के बावजूद कुछ विचारकों की मान्यता है कि चीन सदैव भारत के लिए खतरा है जिसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सीमा विवाद के संदर्भ में यह मान्यता सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि भारत और चीन के मध्य समूची 4057 किलोमीटर की सीमा रेखा का अभी सीमांकन नहीं किया गया है। वर्ष 1988 की राजीव गांधी की यात्रा से सीमा विवाद के संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ, जो कि है भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद अभी भी मूल समस्या है। सीमा विवाद का समाधान एक जटिल समस्या है जिसका समाधान परस्पर सहयोग के द्वारा किया जाएगा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये था मुख्यतः सीमा विवाद क्या क्या है, क्या लद्दाख का सीमा विवाद है, क्या मैकमोहन रेखा है। अब हम अगले लेक्चर से देखेंगे कि सीमा विवाद सुलझाने के क्या क्या प्रयत्न हुए हैं।